नमस्कार दोस्तों, निफ्टिया चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा समझाया था और वहां आपको कहा था कि वहां रेजिस्टेंस है, और मिड कैप निफ्टी में जैसे बताया था 11,850 क्रॉस हुआ तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बनेगी, और ऊपर का लेवल जो बताया था 11,900, वहीं जाकर मिड कैप निफ्टी कंसोलिडेट हुई। तो इस तरह से आपको दोनों इंडेक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ हुआ। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं डेली की डेली आपको इसी तरह लेवल मिल जाए, त्यार बर त्यार लेवल, जैसे हमने कल बता दिए थे आज के लिए और आज बता देंगे कल के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, नीचे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया उसे जरूर क्लिक कीजिए, और उसके अलावा जो डीमेट अकाउंट के लिंक दिए वहां से अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। तो आइए अब हम आते हैं सबसे पहले गोल्ड पर। देखिए सीपीआई डाटा आ गया है तो महंगाई गिरती हुई नजर आ रही है, तो इससे ये फर्क पड़ा है कि सोने में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहे हैं। तो गोल्ड ने जंप मारा है और ऊपर की ओर फर्स्ट टारगेट तो इसने हिट कर दिया, जो मैंने बताया हुआ था 72,117। यहाँ पे आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 72,200 क्रॉस करता है तो और भी जबरदस्त ब्रेकआउट मिल सकता है, और ये ब्रेकआउट मैं यहाँ पे आपको ये ठीक है। तो ऊपर की ओर जो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे फिर 72,900, 73,460 और 73,768। तो आइए अब हम आते हैं सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में जैसा कि बताया था 76,500 पे स्पोर्ट है, तो यहीं से स्पोर्ट लेके फिर से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई, और इसके ऊपर ही जबरदस्त ब्रेकआउट आएगा और फिर 78,000 देखने को मिल सकता है। वैसे कल गैप अप ओपनिंग के पूरे पूरे चांस है, यही कारण है कि रुपया मजबूत होना शुरू हो गया, क्योंकि इंडिया का सीपीआई डाटा भी गिरा है। तो जैसा कि आपको बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस है 83.52, और जो आज का हाई है वही आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो। नीचे की ओर 83.32 और 83.12 पे स्पोर्ट है, ये है नीचे के स्पोर्टिंग लेवल। स्टॉक्स पे आते हैं, ये हमारा कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं है, जहाँ पे पैटर्न बनते हैं तो वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर फ्लैग बना हुआ है, फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट आया हुआ है, उसके अलावा राउंडिंग पैटर्न पे भी ब्रेकआउट आया हुआ है, तो बहुत अच्छा क्रम्पटन का स्टॉक। आप इसको स्टडी कीजिए अपने आप, और उसके बाद अपने आप इसकी स्टडी करके देखिए कि इसका क्या करना है। तो आइए अब आते हैं फिन निफ्टी पे। तो फिन निफ्टी में जैसा कि आपको बताया था 20,050 से लेकर 20,100 यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट है। अब 150 भी एक छोटी सी सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आज फिन निफ्टी ने यहीं से सपोर्ट ली है। ऊपर के लेवल मान लो कल फिर यहां तक डिप आता है तो यहां से फिर से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट में अब बुलिशनेस नजर आ रही है, क्योंकि यूएस का सीपीआई और कोर सीपीआई डाटा काफी कम आया है, तो उससे हो सकता है कि फेड की जो रात की कमेंट्री हो वो डबिश हो। अगर डबिश हुई तो सुबह आपको एक बड़ा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। तो ऊपर के लेवल 22,215 और 22,350 आपको दिख सकते हैं। 22,350 जैसा कि आपको कल समझाया था बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस आया, वहीं से फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और नीचे यही दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अब ऊपर की ओर शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है फिन निफ्टी का, ये नोट कर लीजिए 22,430। अगर 22,430 के ऊपर आया तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, और फिर ऊपर के लेवल होंगे 483, 546, 600 और 660। ध्यान रहे 660 पे एक बड़ा खतरनाक रेजिस्टेंस है, यहाँ से फास्ट प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई, तो इसलिए मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया कि कहीं यहाँ पे कहीं ट्रैप ना हो जाना। अब आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी ने आज 11,800 से सपोर्ट ले ली, तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। नीचे 11,600 से 700 के एरिया में सपोर्ट तो है ही है, ये आपको दिख ही रहा है, तो अगर यहाँ तक कोई डिप भी आता है तो फिर से उसे बाय किया खरीदारी दिख सकती है आपको यहाँ पे। और ऊपर के जो लेवल होंगे 750, 785 और 800 होंगे, अगर 800 तक कोई डिप आया उसको भी वहां से भी आपको रिवर्सल दिख सकता है, और फिर ऊपर के लेवल 823, 900, 927 दिख सकते हैं। ध्यान रहे 950 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। और हाँ, जिस तरह से लग रहा है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, अगर मिड कैप निफ्टी 12,010 के ऊपर सस्टेन हो जाती है
तो एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग बन सकती है और ऊपर के लेवल होंगे 12,065, 12,132, 12,130 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग और भी तेज हो जाएगी और ऊपर लेवल है 12,350, 350 से एक फास्ट प्रॉफिट बुकिंग भी आपको दिख सकती है क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है हार्मोनिक पैटर्न के अनुसार। तो हार्मोनिक पैटर्न भी मैंने सिखाया हुआ है, वो लेक्चर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्राइस एक्शन मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you.